नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नाबालिग बच्चियों को चांदा पुलिस ने मारा पीटा। चांदा कोतवाली पुलिस का सामने आया है संवेदनहीन चेहरा। मामूली झगड़े में बेटियों को थाने में अमानवीय ढंग से पीटा। एसपी कार्यालय के सामने सड़क पर लेटी माँ बेटी ने लगाई मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार। एम्बुलेंस से पिटाई से पीड़ित बेटी भेजी गई जिला अस्पताल। चांदा कोतवाल का सीओजी हुआ बंद। नगर कोतवाल संदीप राय की तरफ से एसपी से वार्ता कराने के आश्वासन पर इलाज कराने को राजी हुए परिजन। चांदा कोतवाली के प्रतापपुर कमैचा का मामला। क्षेत्राधिकारी सतीश चंद्र शुक्ल बोले प्रकरण की जानकारी नहीं। एसपी विपुल श्रीवास्तव बोले जांच कर की जाएगी मामले की कार्रवाई। ट्रीटमेंट की आवश्यकता है वहाँ ले चला जाए ना, पहले इसको चोट लगी है अगर तो उसको मेडिकल के लिए ले चला जाए, मिलवा देंगे। अभी इतना हिसाब रखिए क्या मामला था आपका? सर हमारे जमीन का मामला है, जो हमारा मुकदमा चल रहा था वो हमारा डिग्री हो गया था। वो जो वकील डिग्री हुआ था वो फर्जी बैनामा करा के कब्जा कराना चाहते हैं। जय नारायण दुबे नाम है जी। वो फर्जी बैनामा करा के पुलिस वालों के साथ घर पे आए और सबको पीटने लगे, जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। मारा पीटा है अनुराग पाल साहब। किसको मारा है उन्होंने? सर भाई दोनों बहनों को। अनुराग पाल कौन है? सर सिपाही हैं। सिपाही पुलिस ने इनको मारा है? सर चांदा थाने। कितनी सिपाही गई थी वहाँ पे? सर यही 5-6 लोग 7 लोग थे, 5-6 साहब थे। पुलिस वालों ने आपको बहन को मारा? जी सर। आप क्या चाहते हो? सर हम यही चाहते हैं कि उनके साथ मुकदमे किए जाए जो कानून दर्ज कर रहे हैं। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।